नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव यादव, सांसद छतर सिंह दरबार, भाजपा महामंत्री प्रकाश धाकड़, भाजपा मीडिया प्रभारी संजय शर्मा मौजूद रहे। सांसद छतर सिंह दरबार ने बताया कि अब विकास और जनहित की योजनाओं के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजनाओं का संचालन एवं उनकी मॉनिटरिंग को सुचारू रूप से किया गया आयुष्मान नल जल योजना एवं कोविड-19 में किए गए कार्यों व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को सांसद छतर सिंह के द्वारा बताया गया। वही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि मोदी जी ने देश को दुनिया में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर मान सम्मान बढ़ाया है। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। दोनों टर्म के लगा के 8 साल पूर्ण हुए हैं। उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, यहाँ के गरीब कल्याण के लिए क्या किया, तो मैं इसलिए आप लोगों को बुलाए कि उन्होंने जो किए हैं इस देश के सशक्तिकरण के लिए हर क्षेत्र में, उसके उनकी जानकारी शायद आप तो पत्रकार बंधु सभी को जानकारी है, पर मैं क्षेत्र का सांसद हूँ तो हमारे लाडले प्रधानमंत्री ने जो इस देश के लिए 8 साल में काम किया है उसी से अवगत कराने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। मेन चीज़ें क्या क्या है? देखिए, राष्ट्र में मेन चीज़ें भी होती है और छोटा सा काम भी बड़ा होता है। जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो हमारे विरोधी लोग हंसते थे, मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो कहते थे कि क्या नौटंकी कर रहे हैं। आज जान रहा हूँ उस स्वच्छता अभियान ने एक जन आंदोलन का रूप लिया और वो आज स्वच्छता अभियान उसका पूरा विश्व अनुकरण कर रहा है और देश में गंदगी और अपने जलवायु वातावरण और पॉल्यूशन पे उसका 50% से भी ज़्यादा इम्पेक्ट आया है। दृढ़ इच्छा शक्ति से कानून लाकर उसको 370 को कश्मीर में समाप्त किया। आज देश में खून खराबा बंद हुआ, आर्थिक कितना नुकसान उठाया और आज देश का वो अलग भाग कहलाता था आज भारत का ही अंग हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा कदम 370 समाप्त करना हुआ। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो 700-800 साल हजारों साल की वो विलंबना थी उसको एक कानूनी प्रक्रिया से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने बढ़िया से वहाँ हमारा पक्ष रखा राम मंदिर के पक्ष में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पक्ष में फैसला दिया और आज पूरे देश के जो राम मंदिर में आस्था रखते हैं उनके सहयोग से, सरकार के सहयोग से आज एक विशाल राम मंदिर का निर्माण, क्या ऐतिहासिक काम नहीं है? ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी किया मोदी जी ने किया। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 तक मेरे देश में कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति का भी कच्चे मकान के छत के नीचे नहीं रहेगा, उसका भी उन्होंने संकल्प लिया और वो होते अपने को दिख रहा है, करोड़ों के पक्के घर बना दिए। स्वच्छ जल के बारे में मोदी जी ने संकल्प लिया कि 24-25 तक कोई भी मजरा टोला यार एक कोई हमारा दलित का या आदिवासी का घर ऐसा न रहे जिसे शुद्ध नल के पानी से वंचित रहे। ऐतिहासिक परिवर्तन है। आज विकास में गरीब कल्याण की योजना, महिला सशक्तिकरण की योजना है, आपको गिनाऊं तो ये पूरा दिन हो जाए कि मोदी जी की इतनी उपलब्धियाँ।